दोस्तों आजकल स्मार्टफोन में प्रीमियम फीचर्स के बढ़ते चलन के साथ ही इन दिनों वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी का भी काफी चलन देखने को मिल रहा है, जिससे कि स्मार्टफोन यूजर्स को चार्जिंग में काफी सहूलियत मिलती है और इसके चलते अब वायरलेस चार्जिंग तकनीक को भी अपग्रेड किए जाने की तैयारी की जा रही है। नए अपग्रेड में फोन को बिना किसी डिवाइस से कनेक्ट किए ओवर द एयर चार्ज किया जा सकेगा, यानी कि स्मार्टफोन को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि वायरलेस चार्जिंग में भी फोन को चार्जिंग पैड से जरूर कनेक्ट करना पड़ेगा। मौजूदा वायरलेस चार्जिंग तकनीक की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर वायरलेस चार्जिंग पैड एक इंडक्शन चूल्हे की तरह काम करता है, जिसमें एक इंडक्शन कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और फोन के पिछले पैनल पर रिसीवर इससे एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे कि फोन की बैटरी चार्ज होती है। चार्जिंग पैड से वायरलेस चार्जिंग काफी कारगर विकल्प है, लेकिन कई बार यूजर्स को चार्जिंग पैड कैरी करने में कुछ समस्या होती है। अब नई तकनीक से चार्जिंग पैड की जरूरत भी खत्म हो जाएगी और कई कंपनियां अब ऐसे फोन केस बना रही है जिससे कि स्मार्टफोन को आसानी से चार्ज किया जा सकेगा। केस मेकर कंपनी स्पाइजेन वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी वेंडर ओसिया के साथ मिलकर ओवर द एयर चार्जिंग केस डेवलप कर रही है। इसके बाद फोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पैड एडेप्टर या फिर किसी भी प्लग की जरूरत नहीं होगी। ये केस रेडियो वेव ट्रांसमिट करेगा जो डिवाइस तक पहुंचकर डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाएगा और फोन की बैटरी को इससे चार्ज किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहां पर ये जानते हैं कि ओवर द एयर चार्जिंग को कितनी दूरी तक चार्ज किया जा सकेगा। इस केस में 3 फीट की दूरी से ही स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज किया जा सकेगा और ये जो केस है ये छोटे अमाउंट में पावर डिलीवर करेगा, जिससे फोन की बैटरी को करीब आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में चार्ज किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहां पर ये जानते हैं कि ये तकनीक किन फोनों में काम करेगी, तो आपको ये बता दें कि ये तकनीक सिर्फ उन्हीं फोनों में काम करेगी जिसमें RF आधारित रिसीवर मौजूद होगा। बहरहाल ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि साल 2020 यानी कि अगले साल तक ये तकनीक मार्केट में आ सकती है। तो दोस्तों ओवर द एयर चार्जिंग के लिए फिलहाल आपको कुछ समय इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और इसी तरह की अपडेट और जानकारियां लगातार हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा देवें और साथ ही ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेवे, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।